वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम अपनी इंटीग्रेशन की सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन गिवन है आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 2 का होल क्यूब डॉट डी एक्स। तो फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन गिवन है, क्यूबिक फॉर्म में ये आपको गिवन है। अब इसको करने के तरीके हो सकते हैं अलग अलग। हम यहाँ पर करने वाले हैं इसको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। आप ट्राई कीजिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने का, मुझे बताइए कि आपका कैसा सॉल्यूशन रहता है फिर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। क्या करने वाले हैं, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं किसी भी रैशनल फंक्शन में जो आपको पी बाय क्यू की फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला जो फंक्शन होता है ना वो हमेशा बड़ा दिखेगा आपको ऊपर वाले से। तो नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को हम पुट कर लेते हैं कोई भी वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए। तो एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू टी कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, सो वन इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स आएगा। डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो डी एक्स की जगह पर मैं डी टी लिख लूंगी, राइट। डी एक्स की जगह पर मैंने डी टी लिख लिया एंड अब इनको एक्स को चेंज कर लेते हैं टी की टर्म्स में। ये हो जाएगा एक्स प्लस टू को मैं लिख रही हूँ टी, तो टी की पावर हो जाएगा टू, सॉरी टी की पावर हो जाएगा थ्री। देन टी माइनस टू ब्रैकेट में टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ना, राइट। एक्स यहाँ से आ जाएगा, हम टू को राइट हैंड साइड लेगा तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस टू, ठीक है। तो टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ये हो गई गिवन फॉर्म। अब हम यहां पर t माइनस टू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सॉल्व करके भी दिखाया मैंने यहां पर, कुछ इस तरीके से टर्म्स आपको मिल जाएंगी। अब इसको हम हर एक के साथ डिवाइड कर लेंगे ताकि रिड्यूस हो जाए मेरे हर एक टर्म। टी स्क्वायर बाय टी की क्यूब डॉट डी टी प्लस 4 बाय प्लस 4 एंड ब्रैकेट में 1 बाय टी की क्यूब डॉट डी टी माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ टी बाय टी क्यूब डॉट डी टी। सॉल्व किया ये हो जाएगा 1 बाय टी, सॉल्व किया ये हो जाएगा, इंटीग्रेट कैसे कह सकता है ये टी की पावर माइनस 3 करके एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूला में, ये हो जाएगा 1 बाय टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर को मैं ऊपर ले गई तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन की फॉर्मूला में इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करके मैंने यहाँ दिखाया है हर एक को, लॉग टी हो जाएगा ये प्लस का 4 इंटू में टी की पावर माइनस 3 प्लस 1 बाय माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 इंटू में टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1। देन इसको सॉल्व करेंगे, ये मैंने किसके फॉर्मूले में लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन माइनस 1 बाय एन माइनस 1, राइट, सॉरी एन प्लस 1, मैंने यहाँ पर उल्टा बोल दिया, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। तो सॉल्व किया है मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को, देन सॉल्व करके ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 से ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस 2 से हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को यहाँ पर इसको खोलकर भी दिखाया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पर लिख के बताया हुआ है। तो मेरे पास आया लॉग में पहली टर्म, दूसरी आपकी ये टर्म हो गई, तीसरी टर्म आपकी ये हो गई, प्लस का सी कॉन्स्टेंट लगाना नहीं भूलना है। देन ये हो जाएगा माइनस का 2 बाय टी स्क्वायर, क्योंकि 2 से 4 आपका कैंसिल हुआ तो मेरे पास 2 बचा। 2 बाय टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर, टी की पावर माइनस 2 को मैं नीचे लेकर डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस का 4 बाय टी, प्लस क्यों हुआ क्योंकि यहाँ माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बाय टी आ जाएगा प्लस का सी। तो ये है मेरे पास टी की टर्म्स में इसका आंसर। अब क्या हमारे पास गिवन क्वेश्चन भी टी की टर्म्स में था, नहीं, हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था।
टी की, हमने एक्स प्लस टू को माना था टी, तो अब टी की जगह पर हमारा रखा जाएगा एक्स प्लस टू, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस टू, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस टू। देख लेते हैं, ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से पुट कर लिया इसको। तो ये है मेरा इसका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, काफ़ी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, और सिंपल सा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। और ये क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का आता है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऐसे, और ये जो क्वेश्चन सॉल्यूशंस आप जो कर पाएंगे ना, ये तभी कर पाएंगे जो प्रैक्टिस करेंगे हर एक क्वेश्चंस की, बिना वीडियोज़ को देखकर क्वेश्चन सॉल्व करें, आप उसको खुद से सॉल्व कीजिए, मतलब वीडियोज़ के साथ साथ क्वेश्चन ना सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए एंड देन फिर वीडियो रेफर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, इन क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे चेक योर प्रोग्रेस के लिए। थैंक यू।